हरियाणा में अगर गठबंधन होता तो विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनती, भाजपा महज 30 सीटें ही जीत पाती और गठबंधन की 60 सीटें आती। यह कहना है आम आदमी पार्टी नेता सुशील गुप्ता का। वह झज्जर में आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग लेने पहुंचे थे। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुशील गुप्ता ने बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। सुशील गुप्ता ने कहा कि अति अहंकार और अति उत्साह हमेशा हानिकारक होता है। सुशील गुप्ता का कहना है कि हमने इंडिया गठबंधन में रहकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आधी सीटें रह गई थी। अगर विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन के तहत लड़ा जाता तो भारतीय जनता पार्टी 30 सीटें ही जीत पाती और गठबंधन की 60 सीटें आती। उन्होंने बिना नाम लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अति अहंकार और अति उत्साह हानिकारक होता है। सुशील गुप्ता का कहना है कि इस विधानसभा चुनाव से यह तो साफ हो गया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस टक्कर नहीं दे सकती। अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर देगी और हरियाणा का लाल केजरीवाल प्रदेश के हालात बदलेगा। 60 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन की आती, ये गारंटी का विषय है और पूरा देश इस बात को मानता है। तीसरी बार भाजपा की सरकार बना रही है, कोई उम्मीद है सरकार में काम के लिए? भाजपा ने बड़े बड़े वायदे किए थे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का, महिलाओं को बजट देने का, 5 लाख गरीब व्यक्तियों को मकान देने का। मैं चाहता हूं कि वो अपने वायदे पूरे करें। हरियाणा में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाए और कानून का राज चलाए। अब केजरीवाल जी हरियाणा के दौरे करेंगे क्योंकि तो चुनाव में वो परिणाम नहीं मिल पाए। हरियाणा के लाल हैं, अगर उनको 3 महीने पहले ये बीजेपी छोड़ देती तो आज रिजल्ट कुछ और होता। निरपराध उनको जेल के अंदर बंद करके रखा, ये बहुत ही दिक्कत का विषय है। आम आदमी पार्टी नेता सुशील गुप्ता ने बताया कि आप पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में होने वाले सभी चुनावों में हिस्सा लेगी, वे चाहे पंचायत चुनाव हों या फिर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव हों। उनका कहना है कि हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी संगठन को और भी मजबूत किया जाएगा। झज्जर से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।